यह अरविंद अकेला कल्लू ने शादी कर ली है और उन्हें लोग इतनी मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं। तो चलिए इस न्यूज़ से हम पर्दा उठाते हैं, क्योंकि अरविंद ने जिस तरह से शादी की है उसके बारे में भी बताते हैं आपको, उनकी दुल्हनिया कौन है। लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि ये एक शूटिंग की फ़ोटो है। जी हाँ, और जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि अरविंद अकेला कल्लू ने ये वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद लोगों को ये लगा कि अरविंद ने शादी कर ली। ये जो शादी वाली पूरी गड़बड़ घोटाला है वो अरविंद अकेला कल्लू के एक वीडियो पोस्ट करने से हुआ है, और उनके साथ साथ इस फिल्म की हीरोइन ने भी ये वीडियो पोस्ट किया है, तो इसलिए लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो चलिए खैर, हम आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर ये कहा जा रहा है कि अरविंद अकेला कल्लू ने शादी कर ली है। लेकिन ये शादी नहीं है, ये उनकी एक फ़िल्म की शूटिंग है, जिसकी पहले दिन शूट में ही इस फिल्म की शूटिंग का जो दृश्य था वो ये था कि अरविंद अकेला कल्लू शादी करके अपनी दुल्हनिया घर लेकर आ रहे हैं, और जो रस्म रिवाज है वो पूरी तरह से जिस तरह से गांव में होते हैं उसी तरह से हो रही है। दुल्हन आगे आगे है और अरविंद अकेला कल्लू पीछे है, ये एक रस्म होती है जो कि निभाई जा रही है। और ठीक इसी को लेकर लोग कंफ्यूज हो गए, लोग अरविंद को मुबारकबाद तक देने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत जल्दी शादी कर ली, या इतने जल्दी शादी का क्या विचार था, आपने तो लोगों को बताया नहीं, कहाँ लोगों को लग रहा था कि आप यामिनी सिंह से शादी करने वाले। खैर बहुत सारी बातें, लेकिन उसे क्लियर कर दें हम आपको कि इस जो फिल्म में है उनकी हीरोइन है काजल यादव, जो कि भोजपुरी की एक जानी मानी एक्ट्रेस है, और इस फिल्म की शूटिंग का ये एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। अरविंद की शादी हुई नहीं है, क्योंकि उन्हें मुबारकबाद देने में पवन और खेसारी के भी बहुत सारे फैंस हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब हमारा चैनल।